tell me how you all felt when you all saw these pictures. Are you scared? Do you feel scared? If you are told that you two have to spend a night in the same house with a strange host, how would you feel? Just imagine it. So, today let's start your lesson with this. द लैंड लेडी आपका जो ये चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4th. ओके, तो ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, फुल ऑफ सस्पेंस. ओके, सो देखिए, फर्स्ट आपकी जो समरी है उसमें हम देखते हैं, इमेजिन स्टेइंग इन एन अनफेमिलर हाउस विद अ स्ट्रेंज. आप इमेजिन कीजिए कि आपको किसी अनजाने घर में अजीब और जो रहस्यात्मक मेज़बान है उसके साथ अभी कभी आपको रुकना पड़े, ठहरना पड़े. हाउ वुड यू फील, आप कैसा महसूस करोगे? व्हाट कुड हैपन इफ़ वी आर नॉट केयरफुल, अगर हम क्या होगा, क्या हो सकता है जब हम क्या हो जाएंगे, हम जो है केयरफुल, जो सावधान नहीं रहेंगे. ओके, रीड द स्टोरी ऑफ बिली वीवर. अब हम इस स्टोरी में पढ़ेंगे किसमें, बिली वीवर, जो क्या डिसाइड करता है, हु डिसाइड टू स्पेंड अ नाइट, जो निर्णय लेता है, जो निश्चय करता है कि वो एक रात इस अनजाने घर में. बेड एंड जो ब्रेकफास्ट एक जगह है उसका ये नाम दिया हुआ है, रहने का एक घर है उसका नाम है विद अ मिस्टीरियस होस्ट, और जो एक रहस्यात्मक मेज़बान है उसके साथ. देखिए अब आपकी जो स्टोरी है स्टार्ट होती है बेटा, बाय द टाइम बिली वीवर गॉट टू बैथ. यस, बैथ कहाँ है? बैथ इज़ अ सिटी. ओके, जो साउथ वेस्टर्न इंग्लैंड की एक सिटी है. इसमें जो हमारे मेन कैरेक्टर हैं, हमारे जो मेन कैरेक्टर कौन है, बिली, ठीक है, बिली वीवर. जो बिली वीवर हैं वो कहाँ पहुँचे, जो साउथ ईस्टर्न की वेस्टर्न की जो साउथ वेस्टर्न इंग्लैंड की एक सिटी है वो वहाँ पहुँचे. इट वॉज अबाउट 9 o'clock इन द इवनिंग, ये शाम के 9 बजे थे. एंड द मून वॉज कमिंग अप आउट ऑफ अ क्लियर स्टेयरी स्काई, जो तारों भरे आकाश से जो चांद था वो चमक रहा था. द एयर वॉज डेडली कॉल्ड, जो ठंडी हवा थी वो बड़ी ही घातक थी. एंड द विंड वॉज लाइक अ फ्लैट गैस ब्लेड ऑफ आइस ऑन हिज चीक्स, और जो आप कह सकते हो कि जब वो ठंडी हवा चल रही थी तो वो उसको ऐसे महसूस हो रही थी जैसे कि एक बर्फ रूपी जो ब्लेड के रूप में उसके चीकों को छू रही थी, गालों को. एक्सक्यूज़ मी ही सैड, उसने कहा. यहाँ जो ही यूज़ हुआ है आपका वो किसका, किसके लिए हुआ है, ये बिली है, बिली के लिए यूज़ हुआ है यहाँ. तो उसने कहा, एक्सक्यूज़ मी ही सैड, इज़ देयर अ होटल नॉट टू फार अवे फ्रॉम हेयर, क्या यहाँ कोई होटल है जो यहाँ से ज़्यादा दूर ना हो. ट्राई द वेल एंड ड्रैगन, अब जो कोई आंसर देने वाला था कौन है ये, द पोर्टर. यस बेटा, पोर्टर आप किसको इन हिंदी अगर आप बोलें, जो आपके लगेज सामान को उठा के इधर से उधर ले जाता है, और आप कुली कह सकते हो उसको, ठीक है. तो ये कुली था, उसने आंसर दिया कि आप बैल और ड्रैगन में कोशिश करें. पॉइंटिंग डाउन द यस रोड, उसने एक रोड की तरफ इशारा किया, नीचे वाले रोड की तरफ इशारा किया. बिली पिक्ड अप हिज सूटकेस, बिली ने अपना सूटकेस उठाया. एंड सेट आउट टू वॉक ब्रिस्कली डाउन द स्ट्रीट, और वो जल्दी से वहाँ तेज कदमों के साथ उस रोड पर, उस स्ट्रीट, जो स्ट्रीट थी में चला गया. नेक्स्ट देखते हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, एवरीवन लिसन केयरफुली. देयर वॉज अ लाइन ऑफ टॉल आइडेंटिकल हाउस. यस, ये जो पैराग्राफ है वो हम कर रहे हैं, हाउसेज ऑन ईच साइड,
अब जिस स्ट्रीट में वो चल रहा था उसके दोनों तरफ एक उसमें जो बिल्डिंगें थी, जो इमारतें थी, एक लाइन में जो घर थे का है ना, घर बने हुए थे। इवन इन द डार्कनेस, अंधेरा होने के बावजूद भी ही कुड सी, वह देख सकता था दैट द पेंट वॉज पीलिंग फ्रॉम द वुड वर्क ऑन देयर डोर्स एंड विंडोज। क्या देख सकता था कि कौन, बिल्ली, क्योंकि बिल्ली चल रहा है ना स्ट्रीट में, तो बिल्ली देख सकता था कि जो उसके जो विंडो और दरवाजे हैं, सॉरी खिड़कियां और जो दरवाजे हैं उनके ऊपर जो वुड लकड़ी का जो काम है और उसका जो पेंट है वो उतरा हुआ है ना, उसकी मतलब कंडीशन अच्छी नहीं हुआ, पेंट उतर जाता है ना कई बार। एंड दैट द हैंडसम वाइट फेस एट वर क्रैक्ड एंड बलोची फ्रॉम नेगलेक्ट। बेटा अपने वर्ड मीनिंग अगर आपको समझ में ना आए तो यहाँ साइड में देख लीजिए, सारे जो वर्ड मीनिंग है वो दिए हुए हैं, है ना। तो अब इसने देखना बिना देखभाल की, यस वहाँ क्या थी, देखभाल नहीं हो रही थी, इस वजह से वहाँ का जो पेंट है, जो खिड़की दरवाजे हैं वो सारे, उनकी जो हालात थी वो ठीक नहीं थी। अब आगे देखिए, सडनली अचानक, यस अचानक क्या हुआ होगा भाई, सडनली बिली कोट साइट ऑफ अ प्रिंटेड नोटिस प्रॉप्ड अप अगेंस्ट द ग्लास। अब अचानक ही, साइट ऑफ मीन क्या होता है, देखना, अचानक ही बिली ने देखा कि जो दूसरी तरफ जो ग्लास था उस ग्लास पर कुछ अक्षर उभरे हुए थे और उसमें क्या कहा गया था, बेड एंड ब्रेकफास्ट, बेड एंड ब्रेकफास्ट वहाँ लिखा हुआ था। ही मूव्ड अ बिट क्लोजर, वो थोड़ा और नज़दीक गया, ग्रीन कर्टेन, यस हंग ऑन आइदर साइड ऑफ द विंडो, विंडो के दोनों साइड, हर साइड जो था वो क्या थे, जो हरे रंग के पर्दे लटक रहे थे, द येलो, यस क्रिसेंथेमम्स, क्या है ये, क्रिसेंथेमम्स, क्रिसेंथेमम्स लुक्ड वंडरफुल बिसाइड देम। और उसके पास ही जो पीले रंग के जो फ्लावर थे वो लगे हुए थे। ही पियर्ड थ्रू द ग्लास, उसने ग्लास में से, यस ही पियर्ड थ्रू द ग्लास इनटू द रूम, उसने जो ग्लास था उसमें से उसने झांक कर देखा, एंड यस किसने झांक कर देखा, बिल्ली ने रूम में से, जो विंडो में से झांक कर देखा, सा ए ब्राइट फायर बर्निंग इन द हार्थ, यहाँ हार्थ आप कह सकते हो जिस जगह हम आग जलाते हैं, मतलब चूल्हा जिसको आप कहते हो, खाना बनाते हैं ना, यस घर के आंगन में जो हम डालते हैं या कहीं भी वो उसमें बनाते हैं ना, सा ब्राइट, वहाँ एक जो चूल्हा था वो जल रहा था, ऑन द कारपेट, कारपेट पर आग के सामने ही, यानी चूल्हे के सामने ही एक सुंदर प्रीटी लिटल, ये है डैक्सहोन, क्या है ये, डैक्सहोन वॉज कर्ल्ड अप स्लीपी विद इट्स नोज टक्ड इनटू इट्स वैली, कि जो डक्स होंड आप कह सकते हो एक टाइप का डॉग है जिसके पांव जो है छोटे होते हैं बट उसकी जो बॉडी है वो काफ़ी लंबी और बड़ी होती है, तो इस टाइप का जो डॉग था वो सोया हुआ था, वो एकदम ऐसे मुड़ा हुआ था और उसकी जो नोज थी वो उसके पेट को छू रही थी। द रूम इटसेल्फ वॉज फिल्ड विद प्लीजेंट फर्नीचर, उसका जो रूम था वो प्लीजेंट उससे जो था भरा हुआ था। यस अब नेक्स्ट देख लीजिए आप, देयर वॉज अ बेबी ग्रैंड पियानो, यस अ बिग सोफा, सेवन प्लम्प आर्म चेयर, एंड इन वन कॉर्नर ही स्पोर्टेड अ लार्ज पैरट इन अ केज। अब जो वहाँ था एक काफ़ी बड़ा जो पियानो था,
शानदार पियानो आप कह सकते हो, एक बड़ा सोफ़ा था और बहुत सी वहाँ जो ढीली जो आराम चेयर जो थी वहाँ रखी हुई थी, एंड और कॉर्नर में एक जो था बड़ा सा पिंजरा, उसके अंदर क्या था, एक पैरट था। सर्टनली इट सीम्ड अ कम्फर्टेबल प्लेस टू हिम, और ऐसा प्रतीत होता था जैसे ये बहुत ही आरामदायक स्थान है किसके लिए, बिली के लिए। यस, आफ्टर डिटरिंग इन द कोल्ड फॉर टू और थ्री मिनट्स भीगने के बाद बिली ने डिसाइड किया दैट ही वुड टेक द वेल एंड ड्रैगन बिफोर मेकिंग अप हिज माइंड, कि वहाँ जाने से पहले वो कहाँ जाएगा, पहले द वेल एंड ड्रैगन जो जगह का नाम है वो वहाँ जाएगा उस जगह पे। एज ही टर्न टू गो, जैसे ही वो जाने के लिए मुड़ा, हिज आई वॉज कॉट, उसकी आँखों को पकड़ लिया गया। आँखों को पकड़ने का मतलब कोई चीज़, किसी चीज़ ने उसको आकर्षित कर लिया, अपनी तरफ खींच लिया। एंड हेल्ड इन द मोस्ट पिकुलर मैनर बाय द स्मॉल नोटिस, पिकल मैनर बॉय द स्मॉल नोटिस, उसका जो स्मॉल जो छोटा सा जो नोटिस था उसके द्वारा अजीब सा जो नोटिस था वो उसकी तरफ खींचा चला गया। बेड एंड ब्रेकफास्ट, इट सैड बेड एंड ब्रेकफास्ट, जहाँ ओनली क्या कहा गया था कि बेड एंड ब्रेकफास्ट। Each word was like a large black eye staring at him. जो हमारे बिल्ली हैं उनको ऐसा महसूस हो रहा था कि जो प्रत्येक वर्ड जो लेटर है, अक्षर है, वो उसको एक बड़ी आँख जैसा लगा, और जैसे वो उसको क्या कर रहा हो, घूर रहा हो, holding him, compelling him, उसको force कर रहा हो, खींच रहा हो, कहाँ करने के लिए, यहाँ रुकने के लिए। And before, इससे पहले कि वो जानता, He was actually moving to the front door of the house. इससे पहले कि वो कुछ सोचता तो वो कहाँ पहुँच गया, उस घर के डोर के सामने पहुँच गया। Climbing the steps and reaching for the bell. जैसे ही उसने कुछ कदम बढ़ाए और वो कहाँ पहुँच गया बेल बजाने के लिए, ही प्रेस द बेल, जे उसने बेल को दबाया, ही हैड नॉट इवन रिमूव्ड हिज फिंगर, उसने अभी अपने जो फिंगर थी बेल पर से उसने हटाया भी नहीं था। द डोर स्वैंग ओपन, जो दरवाज़ा था एकदम से लहराया और खुल गया। एंड ए वुमेन पॉप्ड आउट जस्ट लाइक ए चेक इन द बॉक्स, और अचानक से जो एक वुमेन थी, एक औरत जो थी, दरवाजे से ऐसे लहराई जैसे एक, आपके पास गेम कभी देखा होगा जैक इन द बॉक्स, जिसमें आप एक बटन को कट करते हो और वो कुछ चीज़ जो डोल वगैरह अचानक से ऊपर की तरफ आती है, जैसे बॉक्सिंग के लिए वो भी आता है ना, हाँ वही गेम है। इट मेड हिम जम्प, वो अचानक से कूदा। सी वॉज अबाउट 45 or 50 years old, जो वो लेडी थी जिसने दरवाज़ा खोला था वो 50 or 55 साल की थी। प्लीज़ कम इन, उसने कहा कृपा अंदर आ जाओ। गिविंग हिम अ वॉर्म, और उसने एक बड़ी ही गर्म जोशी के साथ, उसका एक स्माइल के साथ, मुस्कुराहट के साथ उसका स्वागत किया। बिल्ली फाउंड हिमसेल्फ ऑटोमेटिकली वॉकिंग फॉरवर्ड, और बिल्ली को पता नहीं क्या हो गया कि वो ऑटोमेटिकली उसके साथ पीछे पीछे चल दिया। द डिज़ायर टू फॉलो आफ्टर हर वॉज एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्ट्रॉन्ग, उसकी जो इच्छा थी उसके पीछे पीछे चलने की वो और स्ट्रॉन्ग और स्ट्रॉन्ग होती जा रही थी। कहने का मतलब था उसको लग रहा था जैसे उसके बस में कुछ भी नहीं है, और वो ऐसे ही बिना किसी की उसकी इच्छा ना होते हुए भी वो उसके पीछे खींचा चला जा रहा है। आई सा द नोटिस इन द विंडो, ही सैड, अब बिल्ली ने कहा, क्या कहा बिल्ली ने कहा कि मैंने देखा है कि विंडो पर मैंने नोटिस को देखा है। आई वॉज वॉन्डरिंग अबाउट ए रूम, मैं क्या देखना चाहता हूँ, रूम देखना चाहता हूँ। इट इज़ ऑल रेडी फॉर यू, ये आपके लिए तैयार है मेरे प्रिय, सी सैड, उसने कहा, किसने, जो 55 years और 50 years की जो लेडी थी उसने कहा।
सी हैड अ राउंड पिंक फेस, उसका जो गुलाबी चेहरा था, एंड वेरी जेंटल ब्लू आइज, और बड़ी नीली आंखें, बड़ी प्यारी नीली आंखें थी। आई न्यू यू वुड कम, उसने क्या कहा कि मैं जानती थी कि आप आओगे। सी सिम्ड टेरिबली नाइस, वो बड़ी ही भयानक, ज्योति भयानकता से अच्छी आप कह सकते हो लग रही थी। बिली टुक ऑफ हिज हैट, बिली ने अपना जो हैट था वो उतारा, एंड स्टेप्ड ओवर द थ्रेशहोल्ड, और उसने वो उसको जो सीढ़ियाँ जो नीचे वो जाता था रास्ता वो वहाँ चला। जस्ट हैंग इट देयर सी सेड, उसने कहा कि इसको यहाँ लटका दो। देयर वर नो अदर हैट्स, वहाँ जो और हैट नहीं थे, ना कोई कोट था, ना अम्ब्रेलास थी, ना जो छड़ी वगैरह थी, कुछ भी नहीं था, ओनली जो बिल्ली था उसकी हैट के अलावा। वी हैव इट ऑल द आवर सेल्स, यू सी इट इज़ नॉट वेरी ऑफन आई हैव द प्लेजर ऑफ टेकिंग ए विलेज विजिटर इन टू माई लिटिल नेस्ट। वो बोल रही है लेडी कि हम नहीं चाहते कि भाई यहाँ प्राय ही कोई हमेशा जो है आता रहे, कभी कभार ही क्या होता है, इसमें मेरी खुशी होती है कि मैं भाई विजिटर जो आने वाले हैं, मेरा जो छोटा सा उसने अपने घर को क्या कहा, एक निटिल लिटिल जो था नेस्ट, एक घोंसला कहा। यस, और सी सैड स्माइलिंग एज सी लेड द वे अप स्टेयर्स, और वो स्माइलिंग करते हुए स्टेयर से नीचे। द ओल्ड गर्ल इज स्लाइटली डॉटी, जो ओल्ड गर्ल थी वो क्या थी, बड़ी ही क्रेजी थी, बड़ी ही रहस्यमयी थी। बिली थोड बिली ने सोचा कि जो ये ओल्ड गर्ल है ये तो बड़ी रहस्यमयी, और ये क्या है, अब देखते हैं आगे जो अपना बिली है वो कैसे क्या करता है और उसकी स्टोरी में आगे क्या मोमेंट आता है। यस, लुक, इट इज सच अ ग्रेट प्लेजर, भाई ये बड़ी खुशी का टाइम था जब व्हेन आई ओपन द डोर, कि मैंने जब डोर खोला, एंड आई सी समवन स्टैंडिंग देयर, यस हु इज जस्ट एग्जैक्टली राइट, कि उसके जस्ट राइट में कोई खड़ा हुआ था। सी पोज्ड, वह रुकी, एंड एडिड, उसने कहा लाइक यू, तुम्हारी तरह। जो बातें हो रही है बिल्ली और उसके बीच में हो रही है, जैसे ही वो आगे जा रहे हैं तो उनको उसको महसूस हुआ कि वहाँ कोई है, तो उसने पूछ भी लिया कि कौन, तो उसने वह रुकी और उसने ऐड किया कि लाइक यू, तुम्हारी तरह। हर ब्लू आइज ट्रेवल स्लोली, उसकी जो नीली आँखें थी वो धीरे धीरे करके जो बिल्ली की बॉडी की जो लेंथ थी, लंबाई थी, उसको और उसके पैरों को, एंड देन अप अगेन, वो बार बार जा रही। कहने का मतलब यहाँ हुआ कि जो नीली आँखों वाली जो लेडी थी वो बार बार उसको ऊपर से नीचे तक निहार रही थी, उसकी एक एक चीज़ को, पाँव से लेकर सिर तक। दे क्लाइम्ड अप टू द थर्ड फ्लोर, और वो अब कहाँ आ गए, थर्ड फ्लोर पे आ गए। एंड दिस इज़ योर रूम, यह तुम्हारा कमरा है। आई डू होप यू विल लाइक इट, मैं आशा करती हूँ कि ये तुम्हें पसंद आएगा। सी टुक हिम इन टू अ स्मॉल बट चार्मिंग फ्रंट बेडरूम, वो उसको कहाँ लेके गई, एक स्मॉल और चार्मिंग रूम में ले जाकर उसने ये सारी बातें कही। स्विचिंग ऑन द लाइट एज सी वेंट इन, और उसने जैसे कि ये सारी बातें क्या हुई, उसने सारे काम एक साथ किए कि स्विच जो था ऑन किया, लाइट भी जल गई, और उसने ये सारी बातें उस टाइम पे की जब वो उसको उस बेडरूम में, सुंदर से बेडरूम में लेकर गई। अब देखते हैं क्या होता है। आई एम सो ग्लेड यू अपियर्ड, सी सैड, जो लेडी थी उसने क्या कहा कि मैं बड़ी खुश हूँ कि आप यहाँ आए। लुकिंग अनेस्टली इन टू हिज फेस, वो बड़े ही रहस्यमय ढंग से उसके चेहरे को देख रही थी। आई वॉज बिगनिंग टू गेट वरीड स्टार्टिंग में, बट अबाउट सफ़र माई डियर, अब उसने जैसे ही शुरू कहा कि मैं आपके जो सफ़र है, सफ़र का मतलब क्या होता है, जो शाम का हम भोजन बेड पे जाने से पहले जो फूड मील लेते हैं उसको बोलते हैं, तो वो उसके बारे में उससे पूछ रही है कि भाई क्या आप कुछ लेंगे या आपके लिए क्या चाहिए। आई एम नॉट अ बिट हंग्री, उसने क्या कहा, मुझे ज़रा सी भी भूख नहीं है। थैंक यू, धन्यवाद ही सैड, उसने कहा। आई थिंक, मैं सोच रहा हूँ जस्ट गो टू बेड, कि मैं कहाँ चला जाऊँ, बस सो जाऊँ। वेरी वेल देन, बहुत अच्छा है, तब आई शैल लिव यू नाउ, मैं अब तुम्हें छोड़ देती हूँ दूंगी, बट उसने कहा कि मैं तुम्हें अब छोड़ दूंगी, कहने का मतलब मैं यहाँ से चली जाऊँगी। बट बिफोर यू गो टू बेड, बट अपने बेड पर सोने से पहले, वुड यू बी काइंड इनफ टू पॉप इन टू द सीटिंग रूम एंड साइन द बुक, प्लीज़ डू
एक गैस जो बुक रखी हुई है उस बुक में आप साइन जरूर कर देना। द फैक्ट दैट हीज यस द फैक्ट दैट हीज लैंड लेडी अपियर टू बी स्लाइटली ऑफ हर रॉकर डिड नॉट वरी बिली। अब जो जिस तरीके से उस लैंड लेडी वो ऐसे जो उसके सामने आ रही थी जैसे वे आ रहा था, तो वो जो हमारे कौन है बिली बड़े ही वो हो गए हैं। अब देखते हैं आगे क्या होता है। आफ्टर अनपैकिंग हिज सूटकेस, अपना सूटकेस खोलने के बाद ही ट्रोटेड डाउनस्टेयर टू द लिविंग रूम, वो लिविंग रूम की तरफ छोटे छोटे बट तेज कदमों से चला। ही फाउंड द गैस बुक, उसे जो बुक थी जो गैस बुक थी वो मिली लाइंग ओपन ऑन द पियानो, जो कि खुली हुई और पियानो के पास ही पड़ी हुई थी। एंड द लिटिल गैस डेक्सोन क्या है डेक्सोन एंड द लिटिल डेक्सोन स्टिल स्लीपिंग साउंडली, और अब भी जो डॉग था वो सच में वहाँ अभी भी सो रहा था। ही टुक आउट हिज पेन, उसने पेन बाहर निकाला एंड रोट डाउन हिज नेम, और अपना नाम लिखा और एड्रेस। देयर वर ओनली टू अदर एंट्रीज अबव हिज ऑन द पेज, कि यहाँ केवल दो और एंट्री थी उस पेज पर। एंड एज वन ऑलवेज डज विद गैस बुक, भाई जो बुक थी गैस बुक बनाई हुई थी, बट ये बड़ी सरप्राइज वाली बात थी कि यहाँ इतने सालों से ओनली टू गेस्ट का ही नाम लिखा हुआ था। अगर वो गेस्ट रूम था तो काफ़ी गेस्ट का नेम लिखा होना चाहिए, बट वहाँ ओनली टू और थ्री ईयर्स से ओनली टू गेस्ट का ही नेम राइट किया हुआ था। ही स्टार्टेड टू रीड देम, उसने उनको पढ़ना शुरू किया। वन वॉज अ क्रिस्टोफर मूल हॉलैंड, जो उनमें से एक था वो तो क्रिस्टोफर मूल हॉलैंड नेम था उसका। एंड द अदर वॉज ग्रेगरी डब्लू टेम्पल, दो कैंडिडेट थे, एक था क्रिस्टोफर मूल हॉलैंड और दूसरा था हमारे ग्रेगरी डब्लू टेम्पल। ये दो जो थे गेस्ट आ चुके थे। अब इनके साथ क्या हुआ होगा, वो जी रहे हैं कैसे क्या, अब जो यहाँ बेटा बड़ी इंटरेस्टिंग आगे स्टोरी होने वाली है, आप अच्छे से सुनते रहना। देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है। यस क्रिस्टोफर मूल हैंड दैट रिंग्स अ बेल, यस क्रिस्टोफर मूल हैंड दैट रिंग अ बेल, जैसे ही उसने बिल्ली ने जो क्रिस्टोफर मूल हॉलैंड का नेम रिंग किया, उसके मतलब यहाँ रिंग अ बेल का मतलब दिमाग जैसे छठी इंद्री कहते हो ना आप, उसमें याद आ जाना, तो उस तरीके से उसको भी कुछ रिमाइंड हुआ। वेयर हैड ही हर्ड, उसने कहाँ सुना था। एंड दैट रेडर अनयूजल नेम बिफोर, कि ये असामान्य जो है, सामान्य असामान्य तो है नहीं, यस अनयूजल नेम है ये। ही ग्लांस डाउन अगेन एट द बुक, उसने फिर से उस बुक पर नज़र डाली। क्रिस्टोफर मूल हॉलैंड 231, ये उसका एड्रेस लिखा हुआ था, और यहाँ ग्रेगरी का एड्रेस लिखा हुआ है। ये देखिए यहाँ ये क्रिस्टोफर का और ये ग्रेगरी का लिखा हुआ है। अब इन दोनों चीज़ों को सोच के अब जो हमारे हैं बिली साहब के दिमाग में क्या कुछ आता है, देखते हैं उनका क्या हुआ जो अगर ये यहाँ आए थे तो। ग्रेगरी टेम्पल ही सैड अलाउड, उसने ज़ोर से कहा, ग्रेगरी टेम्पल ये एक कैंडिडेट का नेम है। सर्चिंग हिज मेमोरी, वो अपने दिमाग में उसको याद करने लगा, क्रिस्टोफर मूल हैंड दोनों को बोल के एक बार ध्यान कर रहा है कि कहाँ क्या बात है। सच चार्मिंग बॉयज अ बॉयस बिहाइंड हिम्स आंसर्ड, उसका जो आंसर देने के लिए एक पीछे से आवाज़ आई, तुम्हारी तरह ही बड़े चार्मिंग और अच्छे स्मार्ट बॉय थे। ही टर्न्ड एंड सा, वह मुड़ा और उसने देखा है लैंड लेडी सेलिंग इनटू द रूम विद अ लार्ज सिल्वर टी ट्रे इन हर हैंड, उसने देखा कि जो लैंड लेडी है वो क्या लेके आए हुए, जो लार्ज सिल्वर टी की ट्रे लेकर आगे की तरफ बढ़ रही है। द यस दे साउंड सम हाउ फैमिलर, ही सैड, उसने कहा कि मुझे ये जो है जानी पहचानी आप कह सकते हो लग रही है। आई एम ऑलवेज पॉजिटिव, मैं हमेशा पॉजिटिव रहा हूँ। आई हैव हर्ड दोज नेम्स बिफोर सम, मैंने कहीं इन नामों को पहले सुना है। मे बी इट वॉज इन द न्यूज़पेपर, शायद मैंने इनको न्यूज़पेपर में पढ़ा है। दे वर नॉट फेमस इन एनी वे, वो कोई ऐसे फेमस वे से मिलिया नहीं थे, आई मीन फेमस क्रिकेटर और फुटबॉलर, मेरा कहने का मतलब है वो क्रिकेटर और फुटबॉलर से है फेमस प्रसिद्ध, सी सेड, उसने कहा। सेटिंग द टी ट्रे डाउन, उसने जो टी ट्रे थी उसको नीचे रखते हुए सेट करते, ओ नो आई डोंट थिंक सो,
मैं इसके बारे में कुछ ज़्यादा सोचता हूँ, बट दे वर इनक्रेडिबली हैंडसम एग्जैक्टली लाइक यू। जब उस लेडी ने क्या कहा, जो ये सारी बातें हैं, उस जब उसने सोचा लेडी ने कि उसने कहा ना कि मैं और सोच आई डोंट थिंक सो मैं और यस इसके बाद व्हाट दे वर उसने जो ये क्या कहा कि तुम्हारी ही तरह वो भी क्या थे, दोनों बड़े ही हैंडसम थे। वंस मोर बिली ग्लांस डाउन एट द बुक, एक बार फिर से दोबारा से बिली ने जो नज़रें थी किस पर लगाई, जो बुक थी उस पर लगाई। दिस लास्ट एंट्री इज़ ओवर 2 ईयर्स ओल्ड, उसने देखा कि जो बुक में जो एंट्री थी वो 2 ईयर पुरानी थी। एंड क्रिस्टोफर मुलेंड इज़ नियरली 3 ईयर्स एगो, और जो अब अरे जो मूल हॉलैंड हैं वो 3 ईयर्स पहले के हैं। डियर मी सी सेड, उसने कहा हैविंग ए डेंटी लिटिल साई, एक बड़ी ही क्रेजी और उससे भरी हुई सांस लेते हुए, हाउ टाइम डज फ्लाई अवे, कितना ज़्यादा जो टाइम है वो चला गया है, डज इट क्या नहीं चला गया है। इस तरीके से गाइस तो ये आपका जो चैप्टर था ये कंप्लीट हो गया। यस बेटा ये चैप्टर सॉरी कंप्लीट नहीं हुआ है, बट इसका मैंने जो पार्ट वन था वो कंप्लीट, क्योंकि अगर मैं पूरा बनाऊंगी तो बेटा काफ़ी लंबी चौड़ी आपका जो हो जाएगा, इससे अच्छा है नेक्स्ट पार्ट में आप वेट करना, मैं नेक्स्ट पार्ट इसका बनाऊंगी। ओके ये देख लीजिए आपकी जो वो लेडी है, जो लैंड लेडी है, आगे बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है कि जो डॉग है वो कैसा है, कि डॉग की हालत क्या सोच रहे हो, कि डॉग वहाँ रियल में है, डॉग वहाँ रियल में नहीं है, बट उन्होंने उसको स्टफ़ किया हुआ है ना, ऐसे ही जो पैरेट है वो भी रियल में नहीं है, और जो उन्होंने उसका आप कह सकते हो जो मम्मी वगैरह बनाते ना स्टैचू टाइप में, तो इस तरीके से इस लेडी को आखिर क्या मिलता था कि वो वहाँ आने वाले लोगों को मार देती थी। यस तो इस तरीके से क्या वो जो टी यहाँ देखी जो टी पी रहा है कौन, हमारे जो बिली साहब है पी रहे हैं, क्या ये टी है, नहीं ये टी भी सही नहीं है, क्योंकि वो आई थिंक उसमें उसने क्या मिला दिया है, पॉइजन मिला दिया है। तो नेक्स्ट उस पार्ट में बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है और कंक्लूजन तभी निकलेगा इसका। ओके कि ये जो लेडी थी वो क्यों मारती थी उनको, क्या बिल्ली को भी उसने मार दिया, क्या बिल्ली ने उन सब का पता लगा लिया कि, और फिर वो क्या रीज़न था इसके पीछे, कैसे उन्होंने उसको मार दिया था, और जो हमारे बिल्ली साहब ने किन किन चीज़ों को देख के पता लगाया कि ये जो लेडी है वो सही लेडी नहीं है, उसकी जो वो सिर्फ देखने में कहते हो ना डोंट यस एक कहावत एक वो आता है ना आपका उसमें एडवर्टाइजमेंट भी आता है यस उसी तरीके से कि किसी की वैल्यू भी उसके फेस को देख के नहीं लगाई जा सकती, क्योंकि उसका जो चेहरा था वो मासूम और वो किया हुआ है। ओके बेटा बट वो रियल में ऐसी कुछ भी नहीं थी। ओके थैंक यू एवरीवन, यस सब्सक्राइब इट प्लीज़ सब्सक्राइब एट Thank you.